नए साल पर रेलवे किराए में हुई बढ़ोतरी के बाद रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं को लेकर बहस तेज हो गई है और इसी को लेकर जनता टीवी प्रदेश के रेलवे स्टेशनों का रियलिटी चेक कर रहा है। इसी कड़ी में हमारी टीम पंजाब के कई जिलों के रेलवे स्टेशन पहुंची, वहां की व्यवस्थाओं को देखा, क्या कुछ हमने पाया है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। पंजाब के कई रेलवे स्टेशन बड़े स्टेशन में शुमार है। ऐसे में यात्रियों की तमाम सुविधाओं और व्यवस्थाओं का पुख्ता होना बेहद जरूरी है और किराए में हुई बढ़ोतरी के बाद ये सवाल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी को लेकर जनता टीवी की टीम मोगा, पठानकोट, रूपनगर की रेलवे स्टेशन पर पहुंची। मौके पर वो तमाम सुविधाएं देखने को मिली जो यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है। फिरोजपुर रेलवे स्टेशन पर बारिश के मौसम में यात्रियों को भारी परेशानी सहनी पड़ती है और मोगा में लोगों के लिए दिल्ली, अमृतसर, जम्मू जाने की सीधी ट्रेन नहीं है, जिसके चलते उन्हें फिरोजपुर या फिर लुधियाना से जाना पड़ता है। से आए हैं ट्रैवलिंग के लिए और यहाँ की जो सुविधा है वो काफ़ी पुअर है। जैसा जंक्शन होना चाहिए, पूरा पंजाब का जंक्शन है ये फिरोजपुर जंक्शन, और यहाँ पर टॉयलेट वगैरह की सुविधा जो है देखने लायक है। आप देखिए, इसको पानी की भी सुविधा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे सब बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर जो है कम से कम सुविधा जंक्शन होने के कारण सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, एक नंबर पर प्योरिटी होनी चाहिए सबके लिए। और यहाँ पर जो दिक्कत आती है आम पब्लिक को, आप समझ सकते हो दिक्कत कैसे होगी। लोगों के मुताबिक इन स्टेशन पर सभी कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। काफी ट्रेन कोई नहीं है, दिल्ली में कोई रेलवे ट्रेन नहीं है, जम्मू में कोई रेलवे ट्रेन नहीं है, अमृतसर में कोई रेलवे ट्रेन नहीं। मतलब या फिरोजपुर जाओ या काफी ट्रेन मिलती है अपनी दिल्ली या जम्मू। आपको बता दें कि इन रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी से लेकर सफाई, शौचालय और बैठने समेत सभी सुविधाएं ठीक ठाक मिली, लेकिन सरकार की ओर से किए गए सभी वादे अभी भी पूरे नहीं हैं। देश में जहां पर एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें आम लोगों की ज़िंदगी में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली रेल सेवा की, जहां पर रेल सेवा पर हर बार जो है सवाल निशान उठते रहे हैं साफ़ सफाई को लेकर। और आज हम अपने रियलिटी चेक में आपको बताएंगे कि रेलवे स्टेशन के क्या हालात हैं, किस तरह की व्यवस्था है। इस समय हम मौजूद हैं अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर, आपको दिखाएंगे कि रेलवे स्टेशन पर साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी अहम जो प्रबंध है यहाँ पर किए गए हैं। दूर दूर तक आपको दिखाएंगे कि रेलवे के यहाँ पर कर्मचारियों की तरफ से यहाँ पर पूरी साफ सफाई जो है वो रखी गई है। बात करने के लिए तैयार है हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? मनीष ठाकुर। सर कहाँ से आए हैं? हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर रेलवे की तरफ से जो प्रबंध है यहाँ पर साफ सफाई को लेकर, कैसे प्रबंध है, किस तरह के हालात है? 70% यहाँ पे ठीक है, 30% हम खुश नहीं है। 70% इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूरी व्यवस्था हो रही है, लेकिन 30% उस साइड देखोगे आप तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब गंदगी दिखेगी आपको। तो सेकंड प्लेटफॉर्म की देखो, सामने रैपर फेंके हुए हैं। अब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो आजकल बोल रहे हैं कि आप सफाई का विशेष ध्यान रखो। आपने सुना उनके हर मुहिम में ये कहते 2 अक्टूबर को उन्होंने बताया है, तो उसके बावजूद भी लोग जो है कभी रैपर इधर फेंकेंगे। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ काफी प्रबंध यहां पर किए गए हैं। आम लोगों की जैसे कि किसी की ट्रेन मिस होती है या फिर किसी तरह की और दिक्कत होती है, उसके लिए बैठने की व्यवस्था कंप्लीट तौर पर की गई है। और अंदर अभी ठंड का मौसम है, बारिश का समय है, तो लोगों को अंदर बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है। हालांकि वेटिंग रूम में अच्छी तरह की व्यवस्था है, सभी की गई है कि किसी तरह की यात्रियों को किसी तरह की भी जो दिक्कत है वो ना हो। कुल मिलाकर अगर आपने रियलिटी चेक में हम बताएं तो यहाँ पर जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ सुथरा है, किसी तरह की भी कोई गंदगी दिखाई नहीं देती। यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि अमृतसर रेलवे स्टेशन के क्या हालात है। कुल मिलाकर बहुत अच्छे हालात है, लोग भी यहाँ से संतुष्ट है। उनका कहना है कि काफ़ी जो सफाई है यहाँ पर है, लेकिन लोगों का अवेयरनेस भी है इस चीज़ को लेकर कि लोग अपनी गंदगी ना फैलाएं और किसी तरह की जो है उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन अमन माल के साथ जजबीर सिंह, जनता टीवी, अमृतसर। और चलिए आपको रूबरू कराते हैं फिरोजपुर के रेलवे स्टेशन से। तो ये फिरोजपुर का रेलवे स्टेशन आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी का अंबार, पानी को, हालांकि ये बरसात का पानी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन आपको जगह जगह गंदगी यहाँ पर ज़रूर नज़र आएगी। यानी जिस तरीके से इससे पहले हमारे संवाददाता जजबीर अमृतसर के रेलवे स्टेशन का हाल यहाँ पर बता रहे थे, वहाँ पर आपने देखा किस तरीके से साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था है। बिजली पानी किसी तरह की कोई दिक्कत लोगों को वहाँ पर नहीं हो रही है जो यात्री हैं। लेकिन फिरोजपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुविधाओं की कमी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुविधाओं की कमी है। तो ये फिरोजपुर रेलवे स्टेशन का हाल आपको हम बता रहे हैं। हालांकि कुछ जो थोड़ी बहुत कमी आपको अगर तस्वीरों में नज़र आ रही है तो हो सकता है कि बारिश की वजह से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं उस वक्त यहाँ बारिश हो रही थी। फिरोजपुर रेलवे स्टेशन की जो बात करेंगे, सुविधाओं की बात करेंगे जो रेल मंडल की ओर से दी जा रही है, उसी को लेकर आज जनता टीवी टीम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 और 4 के पे पहुंची। यहां की हालात की बात करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो हालात इतने खस्ता हैं कि भी जो आज बारिश। और अब पठानकोट के रेलवे स्टेशन के हालात भी आपको हम दिखाते हैं और यात्रियों का इस पर क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनेंगे। ये पठानकोट रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश यहां भी हो रही है, लेकिन किस तरीके के हालात यहां पर हैं हमारे संवाददाता आपको ज़्यादा जानकारी वो देंगे कि किस तरीके से पठानकोट रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें, जो कि एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है वो पंजाब का, तो यहाँ पर किस तरीके के हालात हैं ये भी आपको हम बताएँगे। हालाँकि तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएँ यहाँ पर आपको नज़र तो नहीं आएंगी, लेकिन जो बारिश हो रही है उसकी वजह से और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। रूपनगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का क्या कहना है, किस तरीके से उनको परेशानी हो रही है या फिर रेलवे की किस सुविधा से लोग खुश हैं, ये भी आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग मौजूद थे उस वक्त उनसे भी हमने बातचीत की है। आप सुनिए। हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के ऊपर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शेड है सिर्फ एक ही शेड है, जबकि स्टेशन जो काफ़ी लंबा है और बारिश के दौरान या गर्मी हो बारिश के दौरान यात्रियों को खुले में ही ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता है। सिर्फ एक यहाँ पे शेड है छोटी सी, जहाँ पे ज़्यादा नहीं 15-20 यात्री ही यहाँ पे बैठ सकते हैं। बाकी यात्रियों के लिए जो उस साइड में शेड नहीं है और दूसरी तरफ ले चलते हैं, उधर जो नया शेड एक बनाया गया है, ज़रूर आइए ले चलते हैं। साफ़ सफाई की बात की जाए तो ये देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के ऊपर सफाई के लिए बकायदा कर्मचारी लगे हुए हैं। रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफार्म है वो काफ़ी सफाई साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ट्रैक की बात की जाए, ट्रैक के ऊपर काफ़ी गंदगी फैली हुई है। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे लोगों ने जो खाना पीना जो भी खाते पीते हैं उसके जो बचे हुए हैं बर्तन सारे ऐसे ही ट्रैक पर फेंके हैं, क्योंकि जिम्मेवारी कहीं ना कहीं हमारी लोगों की भी बनती है कि जब डस्टबिन लगा रखे हैं तो लोगों को चाहिए कि कूड़ा करकट डस्टबिन में डाला जाए। आइए बात करते हैं यात्रियों से कि कैसी सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। बात करते हैं यात्रियों से। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी सोनू जी। अच्छा सर, यहाँ पे सुविधाएँ जो मिलनी चाहिए, साफ़ सफाई का कैसा प्रबंध है रूपनगर रेलवे? ठीक है सर, बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बाथरूम भी साफ़ है, सारा कुछ प्लेटफार्म भी साफ़ है, सब कुछ साफ़ है। पीने का पानी भी ठीक है जी, मिल रहा है पानी? मिल रहा है जी, मिल रहा है। स्टेशन सुपरडेंट तेजिंदर पाल जी से यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। सर, यहाँ पे जो साफ़ सफाई का हमने चेक किया, रियलिटी आज टेस्ट कर रहे थे हम स्टेशनों का पूरे पंजाब में, तो हम रूपनगर स्टेशन में आए, देखा साफ़ सफाई का बढ़िया प्रबंध दिखा हमें। लेकिन यात्रियों की शिकायत है कि जब ट्रेनें लेट होती हैं तो उन्हें समय पर बताया नहीं जाता। सर ऐसा नहीं है, मेरे पास प्रॉपर अनाउंसमेंट सिस्टम है, जिसमें अभी भी आपने देखा था जब आप खड़े थे कि अनाउंसमेंट हो रही थी। जितनी ट्रेन लेट होती है, बाहर पे डिस्प्ले बोर्ड है, उस पर भी चलता है हमारा टाइम। अब कई बार ऐसा होता है कि पैसेंजर जब आता है उस टाइम अनाउंसमेंट हो चुकी होती है। अनाउंसमेंट तो प्रॉपर सिस्टम हमारे पास है। सर एक और दिक्कत यहाँ पे कि ट्रैक एक ही है, जब दो ट्रेनें इकट्ठी आती तो बुजुर्ग लोगों को, बच्चे वाले जो हैं, लेडीज़ हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती चढ़ने में, उतरने में, कई बार हादसा होने का भी डर रहता है। तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे एक ट्रैक नहीं है, यहाँ पे बड़ी दिक्कत है। नहीं, यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए सीनियर ऑफिसर्स ने सेकंड प्लेटफॉर्म की अथॉरिटी जो है मंजूरी दे दी है, उसका काम भी इस साइड पे शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ रेलवे फुटब्रिज भी बनेगा। और यात्रियों ने बताया कि समय सरनी का जो अनाउंसमेंट है वो समय समय से की जाती है। यात्रियों की शिकायत थी कि जब ट्रेन लेट होती है तो उनको प्रॉपर पता नहीं चलता कि दोबारा कितने बजे आनी है, लेकिन उन्होंने बताया कि समय समय पर जो उसका अनाउंसमेंट की जाती है ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और जो लोगों की एक बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रैक है और प्लेटफार्म है, और दूसरा प्लेटफार्म ना होने के कारण लोगों को दिक्कत आती है। जब सुबह जन शताब्दी और जो है हिमाचल एक्सप्रेस इकट्ठी एक ही समय पर यहाँ पे पहुँचती है तो लोगों को दिक्कत होती है। ट्रैक पे ऊपर बुजुर्ग लोग, जो बच्चे वाले लेडीज़ महिलाएं हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इन्होंने बताया कि उसका काम शुरू हो चुका है और जल्दी ही वो काम पूरा होने के बाद लोगों की ये दिक्कत भी जो है दूर हो जाएगी। लोगों को जो प्रॉपर सुविधाएँ हैं रेलवे स्टेशन पर वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके साथ हम लेते हैं इजाज़त, इसके बाद और आपको दिखाएंगे कोई स्टेशन, तो इजाज़त दीजिए। रूपनगर से जनता टीवी के लिए सज्जन सैनी। और चलिए अब आपको हम बताएंगे मोगा रेलवे स्टेशन का हाल। बारिश के मौसम में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ता है। मोगा से दिल्ली, अमृतसर, जम्मू जाने के लिए सीधी कोई ट्रेन नहीं है और इसकी वजह से लोगों को फिरोजपुर या फिर लुधियाना से ट्रेन लेनी पड़ती है। यात्रियों का इस पर क्या कुछ कहना है, आप देखिए भी और सुनिए भी। रेलवे ਜਿਹੜੇ किराए ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ किराए थोड़े ਵਧਾਏ गए ने। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ खड़े हाँ ਮੋਗਾ ਦੇ रेलवे स्टेशन ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ देख रहे हो कि इस ਵੇਲੇ बारिश पै रही हैगी ਆ। ਸ਼ੈੱਡ भी ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, पर ਸ਼ੈੱਡ थोड़ा दूर बनाया गया और ਜਿੱਥੇ विंडो टिकट हैगी ਆ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ कोई भी ਸ਼ੈੱਡ नहीं ਹੈਗਾ। लोग भी ਇੱਥੇ बहुत खड़े ने। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ रेलवे स्टेशन ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ रेलवे स्टेशन ਤੇ खड़े हो, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेन बिल्कुल सामने आ रही है, लेकिन यात्रियों को बारिश के विच जिहड़ा इस वेले बाहर ही खड़ना पै रहा। गल करांगे होर भी लोगों के नाल ते लोग की कहणगे इहदे बारे। भाजी तुसीं डेली पैसेंजर हो? नहीं, डेली नहीं, किते किते आईदा, यानी कि समान वगैरह लैण वास्ते जां कोई होर काम करन वास्ते। की प्रॉब्लम आउंदी है? प्रॉब्लम बस वधिया चली जांदा हैगा, बारिश कारण ही प्रॉब्लम आ पैसेंजरां नूं वावा प्रॉब्लम आउंदी है बारिश कारण। वैसे तां वधिया जगह बनी हुई है इत्थे रुकण वास्ते, ठहर वास्ते वधिया बनी हुई है, पर 2-3 दिनां दी जिहड़ी बारिश पै रही है उहदे कारण वाफी है। बारिश करके? हाँ, बारिश करके जाने कि रोडा राडा का काफ़ी बुरा हाल होया वा। ठीक है, ਜਿਹੜੇ पैदल जाने वाले ना उन्होंने ज़्यादा दिक्कत आती है। जिन्होंने कोल गड्डियां ने वो चल वधिया चले जाते हैं, ਜਿਹੜੇ बाइक ਤੇ जाने वाले उन्होंने काफ़ी दिक्कत आती है। बाकी सारा कुछ सही चली जाता, परमात्मा की कृपा जो महाराज दे। मेरे नाल इस वेले सिक्योरिटी के बंदे भी खड़े ने, उन्होंने पूछा मोगा रेलवे स्टेशन सिक्योरिटी के प्रबंध कितना दे? सिक्योरिटी के प्रबंध बहुत वधिया जी। आम लोगों को की परेशानी की ज़्यादा आती है? कोई बारिश करके परेशानी है, बारिश करके परेशानी है, फिर कोई परेशानी। वैसे मोगा दे विच जिहड़ा किसी भी तरह की कोई भी परेशानी रेलवे स्टेशन पर नहीं आती गी, सिर्फ जो बारिश के दिनों के जी है मोगा रेलवे स्टेशन के उत्ते परेशानी आती है। बाकी सारा जिहड़ा मोगे का रेलवे स्टेशन बहुत ही वधिया ढंग दे नाल बनिया होया, लेकिन परेशानियाँ सिर्फ एक है कि इतों दीयां ट्रेनां दिल्ली वास्ते कोई लंबे रूट वास्ते जी कोई भी ट्रेन मौके तो नहीं चलाई गई। कैमरामैन दिलीप के नाल विपलो काड़ा, जनता टीवी होगा। और पंजाब के अलग अलग स्टेशन की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से रेलवे स्टेशन का हाल जो है वो बना हुआ है। चलिए आपसे कुछ देर के बाद ये भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन कल यानी कि 8 जनवरी को पूरे भारत में किसान और मजदूर जत्थेबंदियों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है। कई देशव्यापी मुद्दों को लेकर यह आंदोलन करवाया जा रहा है, जिसे लेकर बटाला के कस्बा हरचोवाल में माझा संघर्ष किसान जत्थेबंदियों ने दुकानदारों से अपील की है कि वो इस आंदोलन में उनका साथ दें। किसानों की खुशहाली होगी तो दुकानदार भी खुशहाल होंगे। इसको लेकर दुकानदारों ने भी अपनी सहमति जताई है और कहा कि वो भी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। कल यानी कि 8 जनवरी को किसान जथेबंदियों वालों भारत बंद का सद्दा दिता गया है, तो इस भारत बंद के सदे को लैके किसान जथेबंदियों दूसरे जथेबंदियों का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। अज किसान जथेबंदियां वालों बटाला दे विच दुकानदारां नूं जाके हथ जोड़ के बेनती भी की जा रही है कि कल के भारत बंद उन्हों का साथ दिता जाए। किसान जथेबंदियां जो कि माझा पंजाब किसान संघर्ष कमेटी है उसके आगू साढ़े नाल इत्थे मौजूद ने, उन्होंने चल के गल करते हैं कि की कहना है उन्हों का इस बंद नूं लैके। अज किसान फिर तो सड़कों पर उतरन नूं मजबूर होया है। कल भारत बंद का सद्दा है 8 तरीक का। अज तुसीं दुकानदारां नूं भी बेनती कर रहे हो तुहाडे इस समर्थन देण दे विच की कुछ खास रहेगा कल ते अज की कुछ खास रहा तुहाडा? अज तो अं हथ जोड़ के बेनती की दुकानदारों तो दुकानदार ने साड़ी बेनती मंजूर की है। उन्होंने कहा भी जे तुहाडी काल आ बंद करन दी तां असीं सवेरे बंद करांगे। तो जिहड़ा कल का साडा वा, कल का साडा प्रोग्राम आ भी 11 बजे ठीक हरचोआल चौंक 'च असीं रोस प्रदर्शन करांगे। तो इतों 12 बजे तक हरचोआल चौंक 'चों असीं तो 1 बजे ठीक जाके जिहड़ा श्री हरबिंदपुर तो दरिया ब्यास नूं जिहड़ा लिंक वा वो जिहड़ा रोड ट्रैफिक जिहड़ी जाम कीती जाऊगी 2 घंटे वास्ते, जो जथेबंदियां दा सद्दा वा। जिहड़ी मजदूर की दिहाड़ी है उसनूं लैके भी सवाल खड़े हुंदे ने कि 300 रुपए ना गुजारा नहीं हुंदा। लखां रुपये जिहड़े कमा रहे ने जां जिहड़े राजनीतिक पार्टियां दे नेता ने जिहड़े राजनीतिक कुर्सियां ते बैठे ने लखां रुपया कमांदे होया भी उन्हां दी भी कितना किते उन्हां पैसें दे नाल गुजारा नहीं चलदा। तां मजदूर किवें अपना गुजारा करेगा? कुछ दुकानदार भी साडे नाल इत्थे मौजूद ने। अज किसानां दे वल्लों तुहानूं आ के हथ जोड़ के बेनती कीती गई है कि समर्थन दे विच उन्हां दा साथ दित्ता जावे। तुहानूं लगदा कि साथ देण नाल कोई फायदा होएगा जां नुकसान होएगा? बिल्कुल जी, असी हरचौल जो साड़ी अड्डा यूनियन वो नुमाइंदे मेरे नाल ने तो असी ये मीटिंग की है भी बिल्कुल किसान यूनियन का जोड़ा साथ दिता जाएगा। जी बिल्कुल, इस बंद नूं जिथे किसान जथेबंदियां का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा, दूसरे जथेबंदियां का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा, उत्थे नाल ही वपारक यूनियन का अते दुकानदार यूनियन का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा। किसानों का कहना है कि अगर सानूं साडा हक नहीं मिलता तो असी अपने परिवार नूं किस तरह पालांगे, क्योंकि कणकां दे फसलों के रेट बहुत घट ने जिस दे नाल गुजारा नहीं हुंदा ते अगर गन्ने की फसल बेचते हैं तो उसकी पेमेंट नहीं मिलती। स्वामीनाथन रिपोर्ट नूं लैके लागू कराने नूं लैके कितना किते यह जिहड़ा भारत बंद का सद्दा दिता गया है। तो देखना यह होएगा कि कल 8 जनवरी नूं इस भारत बंद सद्दे नूं कितना को समर्थन मिलता है तो कितना को कामयाब हुंदा है। फिलहाल सरकारां नूं लोड़ है इन्हां दी आवाज़ सुनन दी, इन्हां दीयां हकी मंगां इन्हां नूं देण दी, तां कि इह अगे तो सड़कां ते उतर के सरकार दे खिलाफ इस तरह दा रोस प्रदर्शन ना करन। कैमरा पर्सन विक्की मलक दे नाल भोपाल सिंह, जनता टीवी, बटाला। मानसा के कस्बा वोहा की नगर पंचायत पर मुआवजे में घपले का आरोप लगा है। नरमा की फसल खराब होने पर गरीब मजदूरों को दी गई 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि में गोलमाल किया गया है। सूचना कानून से हासिल जानकारी में यह खुलासा हुआ है कि यहाँ कई साल पहले मर चुके लोगों को भी मुआवजा दिया गया है और काफ़ी लोगों को 2 से 4 दफ़ा मुआवजा राशि का लाभ दिया गया है, जबकि अधिकारियों ने किसी भी घपले से इनकार करते हुए कहा कि जांच करवा कर कार्रवाई करने हम जा रहे हैं। जानकारी यही मिली जी, असी ना एक तो असी रह गए ये अं मजदूर हाँ जी, ये सानू नहीं पैसे मिले। एक तो जी ये बहुत बंदों का मरिया भी पैसे दे रखे ने जी, तो कई थामे तो इन्होंने जी 1 तो लैके 4 वारी तक इन्हें डबल पैसे दे रखे ने जी। वो RTI राही हूँ पता लग गया जी, पहले तो RTI इन्होंने बहुत लेट दी जी, 1.5 साल तकरीब हो गई RTI सानू, तो हुण सानू RTI मिली जी। ये मरे हुए बंदे भी बहुत पैसे दे रखे ने गए, तो डबल पैसे 4-4 वारी दे रखे ने जी मजदूरों।